नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं देवघर यानी कि झारखंड की खबर पर। सोमवार तड़के सुबह देवघर के वैद्यधाम रेलवे स्टेशन में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से वकील थे और ब्याज पर पैसों का कारोबार भी करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक देवघर के कालीबाड़ी इलाके के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह नाम के वकील हर रोज सुबह की सैर के लिए वैद्यधाम स्टेशन की तरफ जाया करते थे। लिहाजा सोमवार की सुबह भी वे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी बीच अचानक उनके घर वालों को इस घटना की सूचना दी गई। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र भी वकालत करते हैं। बहरहाल देवघर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अनिरुद्ध सिंह की मौत की खबर के बाद देवघर के वकीलों के बीच शॉक का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।